डॉक्टर लोग जब तक बोलते हैं कि दवा चालू रखो तब तक दवा चालू रखना चाहिए, मगर पेशेंट लोग ऐसा करते नहीं है। तो आइए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, के मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी बार पेशेंट लोगों ने ऐसा होता है कि भाई डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है कि साइकोसिस का, पागलपन का पेशेंट है, या स्किजोफ्रेनिया का, मैनिया का है, एंग्जाइटी है, जो भी है, ओसीडी है, फोबिया है, कोई भी पेशेंट हो, पैनिक अटैक वाला हो, वो हमारे पास में आते, दवा लिख के लेते, ठीक हो जाते और बाद में दवा बंद कर देते। स्पेशली ये होता है डिप्रेशन के पेशेंट में, क्योंकि डिप्रेशन के लिए निराश रोग जो है, नैराश्य या साइकोसिस है, मैंने उनके लिए हम बोलते भी कम से कम 6 से 9 महीना आपने दवाई लेना जरूरी है, मगर दवाई लेते नहीं है। थोड़ा ठीक लग गया, क्या होता है कि एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो एक 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में अच्छा काम करना चालू कर देती है, उनको अच्छा लगने लगता है, घूमना फिरना चालू हो जाता है, काम करना चालू हो जाता है, उनको लगता है कि ठीक है, दवाई के बहुत बुरे असर है, साइड इफेक्ट्स है, कोई उनको कुछ बोल देता है कि नहीं अभी दवा बंद कर डालो, दवा बंद कर देते। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं दवाई के, जैसे मुंह सूख जाना या पेशाब को तकलीफ होना या लैट्रिन साफ नहीं होना, ऐसे होते हैं साइड इफेक्ट, मगर वो साइड इफेक्ट है करके दवा बंद करना ऐसा नहीं है। दवा का पूरा कोर्स 6 से 9 महीना लेना जरूरी है, और वो लेते हैं तो डिप्रेशन फिर से आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। वैसे मैनिया का, स्पेशली मैनिया में, मतलब उन्माद व हर्षवायु, उसको हम वेलप्रोएट देते हैं, लिथियम देते हैं या एंटीसाइकोटिक देते हैं, और वो देने के बाद में उसको ठीक लगने लगता है, 8-10 दिन 15 दिन में उसको नींद आती है, उसको जो बोलने की स्पीड है कम हो जाती है, बड़ी बड़ी बातें करना वो ठीक हो जाता है, और बाद में उसको अच्छा लगने लगता है, रिलेटिव बोलते अभी ठीक हो गया है। अभी हम घर ले जाते, घर जाने के बाद में दवा बंद कर डालते, दवा बंद किया है कि मेन जो बीमारी है फिर से उभर आती है और फिर वो वैसे ही करने लगता है, फिर देखो बोलते दोबारा ऐसा हो गया, फिर हमारे पास में आते हैं कंप्लेंट करते कि देखो आपने बराबर दवाई नहीं किया, फिर वो ये बीमारी ऐसी कैसी है कि वो दोबारा आती है। मतलब भाई देखो, कुछ कुछ बीमारियाँ तो ऐसी है साइकेट्री में कि वो तो हो सकता है कि 3-3 साल दवा लेनी पड़ेगी। जैसे स्किजोफ्रेनिया फॉर एग्जाम्पल, पहला अटैक हो गया आपको 1 साल भर तक दवाई लेनी पड़ेगी, दूसरा अटैक है 2 साल तक, तीसरा अटैक है 3 साल तक। जब स्किजोफ्रेनिया ठीक हो जाता है तो भाई दवा तो 3-3 साल लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसा है कि स्किजोफ्रेनिया में जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, तो ऐसे इसमें दवाई बंद करना ठीक ही नहीं है। हम बोलते भाई डायबिटीज़ के पेशेंट कितने दिन दवा लेते हैं, बोले जिंदगी भर। फिर डायबिटीज़ का पेशेंट जिंदगी भर दवा लेता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है, उच्च रक्तचाप, उसके जो पेशेंट है कितने दवा लेते, बोले वो तो हरदम लेना पड़ता है। अच्छा, थायराइड के पेशेंट कितने दिन दवा लेते, बोले जिंदगी भर लेना पड़ता है। तो जब ये बीमारियाँ जिंदगी भर दवा लेने के लिए है, मतलब वो जो उसके वो बीमारियों के लिए जिंदगी भर दवा लेना पड़ता है, फिर साइकेट्री में भी ऐसा है कि मनोविकार जो, उसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी है कि उसमें भी जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। कुछ कुछ पेशेंट एपिलेप्टिक फिट जो है, फिट्स आती है उनको, झटके आते हैं या मिर्गी आती है, उसके लिए कम से कम 3 साल दवा लेना जरूरी है, मगर वो लोग लेते नहीं है। 4-6 महीने हो गए, फिट आना बंद हो गया, दवाई बंद कर देते, फिर एक आधे फिट आ जाते, फिर आते फिर दवा लेते, फिर दवाई बंद कर देते, ऐसी जिंदगी भर उसको दवाई चालू रहती है। तो मेरा यही कहना है कि डॉक्टर जब तक बोलते नहीं है कि बंद करो, तब तक दवाई लेना जरूरी है। दवाई लेने से बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, दवाई लेने से तुरंत जो प्रॉब्लम है वो एकदम ठीक हो जाते हैं तुरंत, और फिर सोर्स पे जाना है तो फिर हम उसको साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग, हिप्नोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी वो कर सकते हैं और उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है। तो बस इतना ही, अभी आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।